तो 7 अक्टूबर 2021 से नवरात्र शुरू होने वाले हैं। तो नवरात्र में आप व्रत किस तरह से करते हैं और उपवास में के दौरान खाने में कौन से मसाले प्रयोग में करते हैं? तो आइए हम जानते हैं उपवास के दौरान, व्रत के दौरान फलाहार करते समय कौन से मसाले हैं जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं। तो उपवास के दौरान खाने में मसाले के तौर पर जीरा, जीरे का पाउडर, काली मिर्च और काली मिर्च का पाउडर, हरी इलायची, लौंग, दालचीनी, अजवाइन, सूखे अनार के बीज, इमली, जायफल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस बार प्रतिपदा तिथि आरंभ है 6 अक्टूबर 2021 गुरुवार के दिन, जो कि शुरू हो जाएगी शाम को 4:34 पर, और प्रतिपदा तिथि समाप्त है 7 अक्टूबर 2021 दिन में 1:46 पर। तो इस तरह से शारदीय नवरात्र 2021 को 7 अक्टूबर 2021 गुरुवार से शुरू हो रहे हैं। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।